आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ट्राइबल न्यूज में आज आपको बता रहे हैं गोंदिया जिले से खबर, जहां गोंदिया जिले में घुमक्कड़ जाति के लोगों को जाति का दाखिला नहीं मिलने पर किया गया आंदोलन। प्रॉपर पुण्याचा आहे, भटक्या मुक्त जाती जनजाती समाज जोडो अभियान अंतर्गत मोटरसायकलवर भारत देशातील 20 राज्य संपूर्ण 88,000 किलोमीटर गाडी चालून आता महाराष्ट्रात आलो। महाराष्ट्रात गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आलो। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये गेली 6 दिवसापासून मी फिरतो। जिथे जिथे भटक्या मुक्त समुदायाची वस्ती आहे गोंदियामध्ये, त्या प्रत्येक वस्तीवर गेलो, 25,000 लोकांचा सर्वे केला, पण या 25,000 लोकांपैकी 20,000 लोकांकडे जातीचे दाखलेच नाही, कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा नाही आहेत। महाराष्ट्रात आल्यावर बहुजन विकास कल्याण विभाग, त्याच्यासोबतच महाविकास आघाडी सरकार आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब आदरणीय ठाकरे साहेबांनी एक निर्णय घेतला की महाराष्ट्रातील सगळ्या 300 आमदारांना घर आणि बंगले देण्याचा निर्णय घेतला। हा निर्णय अत्यंत निंदनीय आहे, अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे। या निर्णयाला आम्ही विरोध करतो आणि जाहीर निषेध करतो महाविकास आघाडी सरकारचा, की यांनी 300 आमदारांना बंगले कोणाच्या कोणत्या बेसवर देतात, म्हणजे कुठून आणला हा डाटा आणि कुणी मागणी केली होती, हे मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा। कारण की भटक्यामुक्त समाज महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे, 356 तालुके, 6,000 गावांमधला भटक्यामुक्त समाज पालावर, झोपडीवर, कुलटीवर राहतो। अक्षरशः तुम्ही गोंदिया जिल्हा फिरा, मी 6,000 गावं फिरलो आहेत महाराष्ट्रातले, तुम्ही बघा त्यांना एकही घर नाही आहे। आता आम्ही आंदोलन केलं, आंदोलनामध्ये अक्षरशः चपलासुद्धा नव्हत्या। एक ताई आली होती, ते ताई म्हणली, मी त्या ताईला म्हणलं, ताई तुझं लहान बाळ आहे, आत्ताच जन्म झालं आहे, तू का घेऊन आली त्या बाळाला? तर ती म्हणली, दादा म्हणे, मी 70 वर्षापासून आम्ही झोपडीवर पालावरच जगलो, पण आम्हाला घर आजपर्यंत भेटलं नाही, जातीचे दाखले आम्हाला आजपर्यंत भेटले नाही। म्हणून मी कलेक्टर साहेबांना भेटायला आले की आम्हाला जातीचे दाखले भेटले पाहिजे। आमच्या जर मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर विदर्भातील सगळा भटक्यामुक्त समाज सगळे एकत्र येऊन 11 तारखेला गोंदिया जस्तम चौक येथे आम्ही आमचे पारंपरिक वेशभूषा धारण करून आम्ही आमच्या पेहरावामध्ये आत्मदहन करणार आहे। त्यामुळे तो आत्मधहनाचा निर्णय आम्ही इथं घेतलेला आहे। 15 दिवसात आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर 11 तारखेला आम्ही आत्मदहन करणार, त्याला जबाबदार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर साहेब राहतील। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे गोंदिया जिले के घुमक्कड़ जाति के लोगों को जाति का दाखिला और अन्य सुविधाओं का लाभ शासन कब तक देता है, ये देखने वाली बात होगी। ट्राइबल न्यूज बुलेटिन की खास खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे रिपोर्टरों ने घुमंतू समुदाय के पास ध्यान दिया। आज पत्रकार परिषद को आप सब उपस्थित रहे। मैं 7 जून 2017 को पुणे जिला पिंपरी चिंचवड कालेवाड़ी से समाज जोड़ो अभियान चालू किया। घुमंतू घुमक्कड़ अर्थ घुमंतू जाति जनजाति समाज, मराठी में उसको कहा जाता है, भटक्या मुक्त जाति जनजाति समाज, वो अभियान चालू किया। यह अभियान भारत देश में जहाँ जहाँ घुमंतू समुदाय रहता है, जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी डेरा है, वहाँ वहाँ जाके घुमंतू समुदाय में जागृति एकता प्रबोधन करते, शैक्षणिक जागृति करते, उनको उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी वैज्ञानिक समाज बनाते हैं। भारत देश में घुमंतू समाज की जनसंख्या 30 करोड़ है। भारत देश में अगर भारत देश को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल हुए, इन 75 सालों में सबसे ज़्यादा विकास से वंचित कौन है, तो ये घुमंतू समुदाय है। इन घुमंतू समुदाय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी प्रावधान नहीं किया था, लेकिन जब हम 6 साल से काम कर रहे हैं, इनके लिए घर बार सब कुछ छोड़ दिया, तब जाके हमने इनका डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए अभी प्रावधान किया। पूरा टोटल पॉपुलेशन ये समाज का है 30 करोड़ है। इसको अपने मराठी में कहा जाता है विमुक्त जाति भटक्या जमाती समाज, उसी के साथ हिंदी में कहा जाता है घुमंतू घुमक्कड़ अर्ध घुमंतू जाति जनजाति समाज, इंग्लिश में उसको कहा जाता है नॉमरिक ट्राइब्स एंड डीनोटिफाइड ट्राइब समाज, और उसको कन्नड़ में कहा जाता है आले आले मारी जनम का समाज। कितने राज्यों में अपन तुम्हारा यात्रा हुई है? अभी मेरे 20 राज्य हो गए, 88,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के मैं अभी गोंदिया जिला में आया। और आगे क्या है आपकी? अभी आगे हमारा कल 25 तारीख को 25,000 से ज़्यादा हमने यहाँ का सर्वे किया भटक्या मुक्त जाति जनजाति समाज का, गोंदिया जिला का है। उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं है, शासन की जो बहुजन विकास कल्याण विभाग करके जो बोर्ड है उसकी तरफ से कोई योजना नहीं मिल रही है, विमुक्त घुमंतू वेलफेयर बोर्ड है उसके लिए फंड नहीं दिया है, और शासन की जो सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल तक 218 योजना है, उस 218 योजनाओं की अमल बजावनी होनी चाहिए, इसलिए कल हम गोंदिया में आंदोलन कर रहे हैं सभी घुमंतू समुदाय इकट्ठा आकर, और यहां से फिर हम गढ़चिरौली जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब 300 विधायकों को दे रहे घर, हमें रहने को घर नहीं और आप लोगों के बंगले। संपूर्ण देश में घुमक्कड़ समाज के पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो निवासी दाखिला भी नहीं मिल रहा। इस मांग को लेकर गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय पर आज
घुमक्कड़ जाति के लोगों ने संजय कदम के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। 10 अप्रैल तक यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 अप्रैल को आत्मदाह करने की चेतावनी समाज के लोगों ने दी है। देखिए सतीश पारधी की सनसनीखेज रिपोर्ट।